सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। यूँ तो बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, अपनी बात कहने का माध्यम है, संवाद का माध्यम है, अपनों से जुड़ने का माध्यम है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है, अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग कदापि न करें। आपको ध्यान दिलाना है, सचेत करना है, सावधान करना है, बाखबर करना है कि सोशल मीडिया पर की हुई छोटी सी भी लापरवाही आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकती है। आपके ऊपर भारतीय दंड विधान की गंभीर धाराओं के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और आप जेल जा सकते हैं। जब आप जेल जाएंगे तो आपके माता पिता रोएंगे, परेशान होंगे। जब आप जेल जाएंगे तो आपके बच्चे परेशान होंगे, आपके भाई बहन परेशान होंगे। और इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि कदापि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। भड़काऊ पोस्ट, अपुष्ट और भ्रामक पोस्ट, ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत है, उसको कतई सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें, लाइक शेयर ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज का जो माहौल है वो इस मुताबिक है कि आप छोटी सी गलती आपको अपराधी बना सकती है, आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती है। इसलिए बतौर SSP प्रयागराज मैं अपने प्रयागराज जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया का प्रयोग सावधानी से करें। कोई भी भ्रामक, अपुष्ट, भड़काऊ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट को फॉरवर्ड ना करें, उसको अपने तक ही रखें। अगर कोई पोस्ट आ भी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबर्स पे, पुलिस कंट्रोल नंबर्स पे, पुलिस SSP के नंबर पे दें, ताकि उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जिसने इस पोस्ट को वायरल किया है। आप कतई इसमें हिस्सेदारी ना करें, अन्यथा आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आप हमारे जिम्मेदार नागरिक हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, इसलिए आपको ये चेतावनी दी जाती है, आपको सचेत किया जाता है, ताकि आपके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे उम्मीद है आप सभी का सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।